2024 चुनाव को लेकर के जदयू की तरफ से चुनावी गीत लॉन्च किया गया। आपको बताते चले कि मंत्री विजय चौधरी ने यानी चुनावी गीत को लॉन्च किया है और उस गीत का जो बोल है, बड़ा बड़ा हो, चला चला हो, लड़ा लड़ा हो, नीतीश कुमार, इस तरीके का जो है थीम दिया गया है चुनावी गीत। और साथ ही बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा के द्वारा जो है 40 चुनावी वाहनों को यानी रवाना किया गया है हरी झंडी दिखा करके जदयू कार्यालय से और तमाम बातों को रखा गया। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो काम किया है गीत के माध्यम से, उस बात को जब रखा जाता है तो लोग उसको गुनगुनाते भी हैं और उनको अच्छा लगता भी है। पहले सुनवाते हैं आपको विजय चौधरी ने किस तरीके से बातों को अपनी रखा है। आप सबको मालूम है कि आज जो आगामी चुनाव है उस सिलसिले में जिन मुद्दों के बल पर, जिन उपलब्धियों के बल पर हमारी पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की उपलब्धियों को लेके जो हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, बिहार की जनता या पूरे देश की जनता के बीच में अपना संदेश पहुंचाना चाहती है, उससे संबंधित जो प्रचार गीत होते हैं, जिंगल स्वीप करते हैं, उसकी शुरुआत या उसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आपके माध्यम से। हमारी ये कोशिश है कि जनता को, बिहार की जनता को कम से कम और देश की जनता को इसका एक प्रथम झलक जो करते हैं वो हम लोगों तक पहुंचा देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और आप सब जानते हैं कि जमाना कितना भी बदला हो, प्रचार का तरीका कितना भी समय के साथ बदला हो, लेकिन आकर्षक संगीत के माध्यम से अगर कोई संदेश, किसी बात को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उससे ज्यादा प्रभावकारी तरीका कुछ नहीं होता है। और आप सब महसूस करिएगा कि किसी गाने का या किसी गीत का ट्यून या उसका तार सुर आपको अच्छा लग गया, मन में जम गया, तो आप अकारण भी थोड़े थोड़े वक्त के बाद मन ही मन गुनगुनाने लगते। तो ये होती है गीतों के माध्यम से प्रचार की शक्ति, जो बरबस आपको उस गीत की तरफ आकर्षित कर लेता है। और हमें पूरा विश्वास कि जिन गीतों की तैयारी की गई है और जितना मधुर कर्णप्रिय संगीत के साथ सरकार और हमारे नेता नीतीश कुमार की उपलब्धियों को सुरमय रूप में उसमें पिरोया गया है, वो बिहार की जनता को तो समझिए मंत्रमुग्ध करेगा, देश की जनता में भी उसके श्रवण शक्ति पर अमित छाप छोड़ेगा। ये हमारे जो प्रचार गीत हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं ये उसकी जबरदस्त पहचान है। और हम इसके लिए बधाई देते हैं पार्टी के साथियों, विशेष रूप से संजय झा जी और इनके नेतृत्व में जो मनीष जी और पूरी टीम, जिन्होंने काफी मेहनत मशक्कत से इस गीत को कर्णप्रिय और समझिए संदेश प्रिय, संदेश वाहक के रूप में बनाया है, इसके लिए हम बधाई देते हैं और इनको शुभकामना देते हुए इन गीतों के प्रति भी शुभकामना व्यक्त करते हुए कि आने वाले चुनाव के क्रम में हमारे गीत संगीत और इसके सुर लय हमारी उपलब्धियों और हमारे नेता की जो पहचान है, नेता की जो विशिष्टता है,
जो देश में एक अलग पहचान है नीतीश कुमार की, उसको लोगों के दिलों में और मस्तिष्क में स्थापित करने में सफल होगा। तो आपने सुना किस तरीके से विजय चौधरी ने कहा कि जब जो लोग गीत के माध्यम से सुनते हैं तो उनको अच्छा भी लगता है और उसको लोग बताते भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया उसको देखते हुए इस तरीके का जो है गीत जो है लॉन्च किया गया है, चुनावी गीत लॉन्च किया गया। और आज उन्होंने ये भी 40 वाहनों को लगभग वहनी जदयू कार्यालय से हरी झंडी दिखा करके तमाम जदयू के नेताओं ने रवाना किया है अलग अलग क्षेत्र में। इसी वाहनों से यानी प्रचार किया गया जाए और साथ ही उस पर LED स्क्रीन भी लगाया गया है वाहनों पर, जिसमें तमाम जो चीज़ें हैं नीतीश कुमार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सब तमाम चीज़ें वहां पर दिखाई जा रही कि वाहनों के माध्यम से दिखाया जाएगा कि नीतीश कुमार ने ये काम किया है। और गीत के माध्यम से भी बताया गया है कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे। I'm gonna go to the hospital.